का क्या नाम है? मेरा नाम रोहन कुमार सिंह है, छात्र संघ दुर्गावती प्रखंड का अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल से। अच्छा, मेरा एक प्रश्न है, विद्यार्थियों को 2-3 मिनट लेट हो जा रहा है और एंट्री नहीं कर पा रहे, वैसे विद्यार्थियों को साल भर वंचित किया जा रहा है। पेपर में तो वैसे 2 साल निकला था ना, कोई पढ़ा है पेपर? जी हम पढ़े हैं। 2 साल का नियम लगाया गया, उसको सजा भी लगाया गया है। उन ऊपर सजा लगाया गया, मतलब जो डराई डाक के घुसेगा भीतर उसके ऊपर सजा लगाया गया, उसका सजा लगाया गया है। मगर सरकार ये नहीं सोच रही कि मास्टर आधा घंटा लेट जा रहे हैं, चाहे पेपर आधा घंटा बाद बट रहा है, उन पर रोक नहीं है। मान लीजिए ट्रैफिक नियम इतना है, ट्रैफिक नियम भी इतना चल रहा है, कहीं गाड़ी बिगड़ गई, चाहे गाड़ी बिगड़ फंस गई, तो उन लोग के लिए दिक्कत नहीं है? अरे 2 मिनट बच्चों से लेट होता क्या है? आप 12:45 पे एंट्री करवा ले रहे हैं बच्चों से, 1.5 घंटा 2 बजे पे एडमिट कार्ड उठा के देखिए, 2 बजे से पेपर चल रहा है, अब 12:45 पे एंट्री करवा दे रहे हैं। कोई हड़बड़ा के आ रहा है, कोई कुछ भी, अगर कोई कुछ हो जाए सरकार जिम्मा लेगी उसका? सरकार जिम्मा लेगी? सरकार तो जिम्मेवारी नहीं लेगी, लेकिन विद्यार्थियों साल भर वंचित हो जाएंगे, 2 साल वंचित हो जाएंगे और उनका भविष्य बर्बाद होगा। सरकार को भी सोचना चाहिए ना कि किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं वो। ऐसे नियम में सुधार होना चाहिए, सुधार होना चाहिए कि नहीं? बहुत बहुत जरूरी है, सुधार होना चाहिए। ऐसे नियम में सुधार होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल 100% सुधार होना चाहिए। कुछ युवा मास्टर के रिपोर्टिंग 9:45 9:30 बजे जाना है तो मास्टर 10:30 बजे जाते हैं। कोनो स्कूल में स्कूल के कोनो मास्टर का रूल नहीं है कितने बजे हमको जाना है। जो नए नए मास्टर इनका दान हुआ बहाली जो 10:30 बजे जाता है, उसको सर टाइमिंग नहीं है कि हमको मालूम कितना बजे जाना है। लड़कों का दबाव है, ऐसे शिक्षक जो लेट आते हैं उनका तनख्वाह रोक देना चाहिए, ऐसा भी सिस्टम उन लोग को भी वंचित किया जाए, 1 साल सस्पेंड किया जाए, उन लोग को भी सस्पेंड नहीं कर सकते लेकिन उनके सैलरी ना दिया जाए। 3 महीना 6 महीना सैलरी उसको रोको, तब ना वो जानेगा नहीं कि हमारा कितना प्रभाव रहा है, बच्चों पर कितना प्रभाव पड़ रहा है। उसको बाद सैलरी रोकेंगे, उसके घर में बच्चा नहीं खाएगा पिएगा तो उसे कैसे मालूम चलेगा कि हम कितने लेट जा रहे हैं, कितने बच्चे सुसाइड कर रहे हैं? उनका जीवन क्या सरकार लेगी? कुछ नहीं, लिख देगी कि काम खत्म, लेट हुआ क्यों लेट हुआ? अरे छोड़ो, जाए तो 5 मिनट 10 मिनट हलवा का आएगा, कोई ट्रैफिक मार देगा, उसको क्यों जी मार लेगा? सरकार लेगा? कोई जी मार नहीं लेगा, सरकार नहीं लेगी जी मार। ऐसे नियम में सुधार हो और यहाँ की मतलब जनता जागरूक हो और आवाज उठा रही है, तो ऐसे नियम में सुधार होनी चाहिए और जो शिक्षक लेट आते हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, उनके जरूर होनी चाहिए। जो केकक पाठक थे उसको बहुत कार्रवाई की, कॉलेज में पढ़ाई भी नहीं हो रही है, देख रहे देखा जा रहा है, सभी मास्टर हाजी भर के बैठ सो जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आइए तो सरकार नियम की पेटकल पर 2 रुपया फीस नहीं है तभी मास्टर ले रहे हैं 2 रुपया, कहाँ के नियम है ये? इसका हमको सरकार से लिखित भी हो रहा है और उसके बाद भी पैसा लेना है। इसके प्रैक्टिकल के पैसा क्या? प्रैक्टिकल जब लड़का लिख के जा रहा है तो उसका पैसा क्यों? प्रैक्टिकल में 200 रुपया लिया जा रहा है लेकिन नियम में ऐसा नहीं, नियम में ऐसा नहीं है कि जो लड़का जो परीक्षा देने किस विद्यालय में ऐसा हो रहा है? हर विद्यालय में हो रहा है, ऐसा कोई बच्चे हर विद्यालय में नाम भी कट रहा है सर, नहीं जाने पर नाम भी कट रहा है विद्यालय में, चाहे जी कॉलेज हो चाहे महाराणा प्रताप, कोनो भी ऐसा कॉलेज है जहाँ पर प्रैक्टिकल का पैसा नहीं लिया जा रहा है। आइए हमारे साथ जाँच करवाते हैं, हम 600 रुपया। अच्छा, अपनी सभ्यता दिखाइए और एक सभ्य नागरिक की तरह आप लोग। बात सही है, के पाठक जो है शिक्षा विभाग बने हुए हैं उनको इस पर जांच करना चाहिए कि कहां नियम गलत हो रहा है, क्या कहना चाहिए? शिक्षा विभाग को इस पर ध्यान देना चाहिए, जांच बैठाया जाए इस पे। 1:35 पे आओ तो नो एंट्री, गेट बंद कर दिया जा रहा है, जगह जगह डाइवर्जन के वजह से आने में लेट हो रहा है, जाम लग रहा है तो गेट बंद कर दिया जा रहा है, जबकि 2 बजे एग्जाम स्टार्ट हो रहा है तो 1:35 तक एंट्री मिलना चाहिए, जो कि एंट्री नहीं मिल रहा है गेट बंद हो जा रहा है। हम सही इस पे ध्यान देना चाहिए, सभी लोग इस बात से सहमत है ना? सभी लोग सहमत है, सब लोग सहमत है। टाइम पर कम करवा दीजिए, 1 बजे करवा दीजिए, सब लोग 1 बजे आएंगे। चलिए आप लोग टाइम दिए हैं, 2 बजे तक भी करेंगे लोग। हम बता रहे आपको इस पर एप्लीकेशन डाले जो उसकी हमारा पद ले चुका ले लिया गया है, इस पर जब एप्लीकेशन डाले तो सरकार द्वारा हमारा पद ले लिया गया है, हम उसका धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, 9 तारीख को हमारा धरना प्रदर्शन रामगढ़ में, पूरा रोड जाम रहेगा। आप छात्रों के लिए इतना लड़ रहे हैं और छात्रों के लिए इतना सोच रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपको सलाम करते हैं, और हर विद्यार्थियों के इनके जैसा बनना चाहिए और विद्यार्थियों के हक में आवाज उठाना चाहिए। अभी बी ए फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी मगर तभी छात्रों के लिए हम खुद लड़े हैं। चलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और इसमें सुधार हो, और यहाँ की सभी जनता कह रही है, यहाँ की गार्जियन कह रहे हैं और सुधार होनी चाहिए। लड़की लेट जा रही है, लड़की को थोड़ा
कॉमन सेंस कम है तो थोड़ा चीट लेकर चल जा रही है, तो चलो उसका गलती है, उसका गलती है, उसका गलती है, उसका गलती है, फिर भी उसको 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 बाहर रोक दी जाए, इसको निकाल दिया चीट, फिर हाथ क्यों उठा रही है, उन लोग हाथ उठा दे रही है। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।